गुना के सिरसी इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय सेल्सकर शहर की न्यू सिटी कॉलोनी में किराए पर रहती है। मामा दुर्गा अलावा ने बताया कि पिछले साल उसकी सगाई के बाद धार के रहने वाले दिनेश हुड़बे से चल रही थी। वह इंदौर में बिजली कंपनी में ड्राइवर है। सगाई की बात कुछ दिन चली लेकिन बात नहीं बन पाई। सगाई के लिए लड़की के घर वालों ने मना कर दिया। सोमवार को बिजली कंपनी का ड्राइवर, उसका भाई और 3 साथियों के साथ कार से गुना आए। गाड़ी उनके खेत की है। लड़की घर से शोरूम जाने के लिए निकली थी, तभी नाना खेड़ी स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने लड़कों ने कार को सामने लगाकर उसे रोक लिया। सेल्स गर्ल को कुछ शक हुआ तो उसने अपने मामा को फोन कर अपनी लोकेशन बता दी। जैसे ही लड़कों ने उसे पकड़कर कार में बैठाने की कोशिश की, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। ड्राइवर व उसके भाई हत्थे चढ़े। भीड़ के हत्थे ड्राइवर दिनेश दुड़बे एवं उसका भाई सुरेंद्र दुड़बे चढ़ा। भीड़ ने दोनों की पिटाई कर दी। लड़की का मामा भी आ गया। लोगों ने आरोपियों की कार में भी तोड़फोड़ कर दी। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। रिश्ते की बात हुई थी तो लड़की ने मना कर दिया था। उसके बाद ये क्या घर से उठाने आए थे तो कहाँ पर क्या घटना हुई? ये रूम से निकली ड्यूटी के लिए तो इनने जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया अंदर। किस जगह? ये अपने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में। वहाँ पे सगाई हुई थी इनकी। ये नरवाली के पास टांडा क्षेत्र है। टांडा क्षेत्र में नरवाली गांव करके इनका। कितने दिन पहले सगाई हुई थी? ये कम से कम एक साल पहले की बात है। सगाई हो गई थी के? नहीं, सगाई नहीं हुई थी, बात हुई थी। हाँ, एक युवती के अपहरण का प्रयास किया गया है। आरोपी गण कार से आए थे। युवती की रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत कर लिया गया है और 2 आरोपी गण को हिरासत में ले लिया गया है। कितने लोग थे सर और कहाँ के थे? ये इंदौर के हैं आरोपी गण। और सर किस जगह घटना है? ये घटना है न्यू सिटी कॉलोनी के सामने की।